बॉलीवुड इंडस्ट्री में सरोज खान जी का चला जाना वाकई में शॉकिंग है। बॉलीवुड के सभी बड़े एक्टर्स ने सरोज खान जी को ट्रिब्यूट दिया है और उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। ऐसे में उनकी कॉम्पिटिटर रही फराह खान ने भी सरोज खान को याद करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, रेस्ट इन पीस सरोज जी, आप एक इंस्पिरेशन हैं बहुत लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी, थैंक यू फॉर ऑल द सॉन्ग्स। कुछ इस तरह से फराह खान ने सरोज जी को याद करते हुए ये पोस्ट लिखा है। लेकिन आपको बता दूं कि रियल लाइफ में फराह खान और सरोज जी दोनों के रिश्ते जरा भी अच्छे नहीं थे। ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे की राइवल रही है और कॉम्पिटिटर्स रही है। क्या है इन दोनों की बिगेस्ट फाइट, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस बिगेस्ट फाइट की शुरुआत हुई थी फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। जी हाँ, इनिशियली इस फिल्म की जो कोरियोग्राफर थी वो सरोज खान थी। इस फिल्म का एक शेड्यूल था 17 दिनों का, कोडाई के नाइल जाना था और वहां पर जाकर 3 गानों की शूटिंग होनी थी। लेकिन 17 दिनों में 3 की जगह सिर्फ एक ही गाना शूट हुआ। यही कारण था कि सरोज खान ने जितनी डेट्स इस फिल्म को दी थी वो सभी डेट्स खत्म हो चुकी थी, यूज हो चुकी थी, और इसके बाद सरोज खान का दूसरा शेड्यूल तैयार हो गया था। उन्हें जैकी श्रॉफ के पास श्रीनगर जाना था फिल्म किंग अंकल के लिए। तो इसीलिए सरोज खान ने मंसूर खान से बात की कि उनकी डेट्स खत्म हो गई है और अब वो इस फिल्म को टाइम नहीं दे पाएगी। ऐसे में मंसूर खान ने उनसे कहा था कि आप एक काम करो, आमिर खान को पहला नशा जो सॉन्ग है उसके कुछ स्टेप्स सिखा दो और अपने असिस्टेंट्स को छोड़ जाओ। फिर क्या था, सरोज खान अपने 2 असिस्टेंट्स को फिल्म के सेट पर छोड़कर शिमला चली गई किंग अंकल के लिए। लेकिन इसके बाद इस फिल्म में बहुत सारे चेंजेस हुए, एक्टर्स चेंज हुए और साथ ही चेंज हो गई कोरियोग्राफर भी। कैसे आए ये चेंजेस मैं आपको बताती हूँ। सरोज खान अपने 2 असिस्टेंट उपेंद्र और शैला को जो जीता वही सिकंदर के साथ छोड़कर किंग अंकल के लिए खुद निकल गई। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जो जीता वही सिकंदर फिल्म ही बंद हो गई। कुछ महीनों बाद मंसूर खान ने इस फिल्म पर रीवर्क किया और फिर से इस फिल्म की शुरुआत की और तब उन्होंने एक बार फिर से सरोज खान को इस फिल्म के लिए बुलाया। लेकिन तब सरोज खान इस फिल्म को डेट्स नहीं दे पाई। यही कारण था कि इस फिल्म में तब चांस दिया गया एक असिस्टेंट डायरेक्टर को जो उस टाइम मंसूर खान को असिस्ट कर रही थी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर थी फराह खान। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर पर फराह खान एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर थी और जब सरोज खान के पास डेट्स नहीं थी तब जाकर ये फिल्म फराह खान को दी गई और फराह खान ने फिर आगे से इस फिल्म की कोरियोग्राफी संभाली। जहाँ सरोज खान ने मीडिया में ये बात शेयर की है कि कुछ इस तरह से फराह की एंट्री हुई और उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिमम स्टेप्स जो इस फिल्म में थे मैं ऑलरेडी सभी एक्टर्स को बता के गई थी, फराह ने तो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करवाई है और क्रेडिट पूरा लिया है। वहीं अगर बात करें फराह खान के पॉइंट ऑफ व्यू की तो उन्होंने एक अलग ही स्टोरी सुनाई। उनका कहना था कि कोडाई कैनाल के दौरान सरोज खान अचानक से फिल्म के सेट को छोड़कर ही चली गई और पता ही नहीं कि वो वापस कब लौटेगी, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कभी नहीं। तब वो टाइम था जब मंसूर खान ने फराह खान को कोरियोग्राफी संभालने को कहा और तब जाकर फराह ने कोरियोग्राफ किया आमिर खान को पहला नशा में। फराह के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सरोज खान ने अपने कई इंटरव्यूज में गलत ठहराया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों फराह खान और साजिद खान अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, फिल्म का क्रेडिट लेने के लिए मेरे बारे में इस तरह की स्टोरीज फैलाते रहते हैं। और तब उन्होंने ये सच्ची स्टोरी बताई थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था कि फराह खान की इस फिल्म में एंट्री हुई थी। जाहिर सी बात है ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और यही वो पॉइंट था जब से फराह खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो गई, इतना बड़ा नाम कि कुछ ही सालों में वो सरोज खान की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर साबित हो गई। और तब से लेकर अब तक सरोज खान और फराह खान के कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। इनफैक्ट सरोज खान को एक बार फराह खान पर इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने फराह खान को शेमलेस भी कह दिया था। जी हाँ, तब जब फराह खान डायरेक्टर बनी और उन्होंने फिल्म बनाई हैप्पी न्यू ईयर, इस फिल्म को उन्होंने शाहरुख के साथ बनाया था। फिल्म में कीकू शारदा एक कैरेक्टर करते हैं जो हूबहू सरोज खान से ही मिलता था और उस कैरेक्टर को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कैरेक्टर किसकी मिमिक्री कर रहा है। इनफैक्ट जब फराह खान इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो पर भी आई तब भी सरोज खान का मजाक बनाया गया और उस मजाक पर रिएक्ट करते हुए सरोज खान ने कहा कि पता नहीं फराह को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, क्यों मेरा मजाक बनाया, मुझे फिल्मों
फिल्मों से क्या लेना देना जब मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, तो क्यों अपनी फिल्मों में मेरा मजाक बना रही है। शेम ऑन फरा, शेम ऑन कीकू शारदा एंड शेम ऑन कपिल शर्मा जो मेरा मजाक बना रहे हैं। इनफैक्ट सरोज खान ने ये तक कहा था कि फराह खान को इस बात के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मीडिया ने जब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में फराह खान को कॉमेंट करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर सरोज खान से इंस्पायर्ड नहीं है, वो तो हम सरोज जी से इतना प्यार करते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर हूबहू सरोज खान के जैसा है। तो कुछ इस तरह से टाइम टाइम पर इन दोनों के झगड़े चलते ही रहे और जब से फराह खान इंडस्ट्री में आई तब से वो सरोज खान की टक्कर की कॉम्पिटिटर ही रही। इनके रिश्ते कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स वाले नहीं रहे हैं।